राकेश बापट ने लगाया अक्षरा सिंह पर विक्टिम कार्ड खेलने का इल्जाम। क्या वाकई अक्षरा सिंह विक्टिम कार्ड प्ले करती है? क्या लगता है आपको? चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मैं सिकदा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि वेल बिग बॉस के घर के अंदर अगर इल्जाम ना लगे, हंगामे ना हो तो वो बिग बॉस का घर ही नहीं लगता। ऐसे में वीकेंड के वार पर जहां करण जौहर एक से बढ़कर एक क्लास लगाते हैं, तो वहीं करण जौहर के सामने सभी कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी बातें भी रखते हैं कि वो दूसरे कंटेस्टेंट के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे में राकेश बापट का कहना था और इल्जाम लगाना था कि अक्षरा सिंह द भोजपुरी स्टार खेलती है विक्टिम कार्ड। उनका कहना है कि जब अक्षरा और जिशान के बीच लड़ाई और पंगे हुए, अक्षरा काफी गंदी बातें गाली गलौज तक उतर आईं, लेकिन जब जिशान ने उन्हें कुछ कहा तो अक्षरा यहां कहती आईं कि आपके घर में माँ बहने नहीं है। तो इस बात पर राकेश बापट का कहना है कि अक्षरा अक्सर विक्टिम कार्ड प्ले करती है और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि अक्षरा काफी बार विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए खुद को स्मार्ट दिखाती हैं और खुद को बेचार की फील करवाती हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? जिस तरीके से राकेश ने अक्षरा पर इल्जाम लगाए हैं कि अक्षरा विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं, तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं? क्योंकि अब तक हमने अक्षरा की के काफी सारे पंगे देखे, काफी सारी लड़ाइयां देखी, काफी ज्यादा वो हाइपर मोड में आ जाती, हमने ये भी देखा, लेकिन क्या वाकई अक्षरा जो है वो विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं या फिर ऐसा नहीं है? आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन जरूर शेयर करें। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।